जय माता दी। दर्शकों, आपका अपना वैदिक ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं तुला राशि अगस्त 2019 के जातकों के लिए। तुला राशि में इस माह में क्या क्या वर्णन है और किस प्रकार से राशि के लिए रहने वाला है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भेजें, और यदि पसंद आए तो आपको जो है विस्तार सबको आगे बताएं। दर्शकों, जो कि अगस्त माह में विशेष जो त्यौहार पड़ने वाले हैं उनके बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आप जानें जो है 15 अगस्त को रक्षाबंधन है, जो कि रक्षा कवच है, एक बहन अपने भाई के लिए मानती हैं और दोनों का एक जो संबंध है परिवार में हास हास और उल्लास के साथ मनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 24 तारीख को जो है जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि पूरे भारतवर्ष में हमारे इसको मनाते हैं और खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, तुला राशि के स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र एक हसमुख और लजगरी के कारक होते हैं और शुक्र जीवन में व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करते हैं। ऐसे जातक क्या होते हैं, इनका जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है और कहीं ना कहीं स्त्रियों से इनको लाभ होता है। और इनको जो दिक्कत रहती है, कभी ना कभी ऐसी थोड़ा सा शरीर में जलन रहेगी या पेशाब में थोड़ा जलन पड़ेगी, उसके बाद जो है ठीक हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, आपके द्वितीय भाव में गुरु ग्रह विराजमान है, गुरु ये सतोगुणी है। हमारे दर्शकों ध्यान दें, ग्रह जो होते हैं वो तीन प्रकार की अवस्था होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे जो गुरु हैं वो सतोगुणी होते हैं, जो कि अच्छा बल सबको, अच्छा पद और अच्छी ज्ञान की एक पूर्ण रूप से सफलता दिलाते हैं। तो गुरु की जो दृष्टियां हैं वो यहाँ पर शुभ भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा लाभ देंगे और कुटुंब से अच्छा संबंध रखेंगे और धन की भी आपको जो है विद्या की भी कभी कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बात करते हैं तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, जैसे कि केतु और शनि विराजमान है, यहाँ पर क्या होगा, आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी आएगी कि जो आप काम करेंगे मेहनत से आपको लाभ नहीं मिलेगा, वहाँ आप नेगेटिव हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा अंदर से कष्ट होगा। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को नहीं भटकना है, आगे बढ़ना है, आपको पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके दिमाग को, आपके उसको अंदर से जो है कमज़ोर करेगा, डबल माइंडेड करेगा और कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से डर पैदा करेगा। आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आगे बात करते हैं कि आपके आय भाव में बुध राहु विराजमान है, ऐसी स्थिति में राहु का बैठना मिथुन में उच्च के हो गए हैं, कभी कभी आपको अच्छे भाग को सपोर्ट दे देते, आपका भाग कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट तो रुक जाता है। ऐसे में क्या करना है, कर राहु ग्रह को आपको प्रसन्न करना है और हो सके तो आपको बुधवार के दिन दूर दूर घास जो होती है उसका हवन कर सकते हैं, उसके करने से भगवान जो है राहु प्रसन्न होंगे, या फिर देवी की पूजा आप करें तो राहु केतु प्रसन्न रहेंगे। आगे बात करते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र जो हमारे व्यापार का होता है दशम हाउस, वहाँ पर आपके मंगल, शुक्र और सूर्य विराजमान है। हालांकि 17 तारीख को सूर्य यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य चेंज हो जाएंगे, सिंह में चले जाएंगे, सिंह राशि में, अपनी स्वराशि में। तो जो सरकार से जिसको अभी तक दिक्कतें आ रही हैं, कोई सरकार के पद में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर पैदा है, अपने सीनियर से डर पैदा है, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ मंगल का जो है चेंज होना और सूर्य का जो चेंज होना ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोनों ग्रह ही हमारे डिफेंस के कारक होते हैं, सूर्य भी और मंगल भी, वो कहीं ना कहीं हमारे पद के जो मसीहा होते हैं और जुपिटर जो हमारे गुरु होते हैं। इसलिए दर्शकों, बड़ी खुशी की बात है कि 17 तारीख को सूर्य जो है अपनी सिंह राशि में जाएंगे और मंगल जो है जो नीचस्थ चल रहे हैं राशि में, डर लग रहा है आपको नौकरी करने में, डिप्रेशन है, दबाव है, तनाव है, वो आप उससे मुक्त हो जाएंगे अगस्त के महीने में। बड़ी खुशी की बात है, आपका जो फंसा हुआ कोई काम है व्यापार में वो आपका चल पड़ेगा। आगे बात करते हैं किस महीने में आपको, वैसे तो जो महीना है भगवान शिव का महीना है, श्रावण मास है, इसमें जो आपको पूजा पाठ करेंगे आप शिव जी की, आपको पूर्ण शांति मिलेगी, भगवान शिव आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव को श्रावण मास बहुत प्रसन्न होता है और विशेषकर जो है ना रुद्राभिषेक कराएं सोमवार के दिन तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे बात करते हैं कि इन माह में आपको 24 और 25 तारीख को कोई नया काम नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टम में भ्रमण करेगा। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका मनोबल थोड़ा सा वीक होगा और थोड़ा वो कष्ट होगा, अंदर से डबल माइंडेड रहेंगे, इसलिए इन तारीख क्रॉस करके आगे बढ़कें आपको कोई भी काम करना है जिससे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और बात करते हैं कि इसमें तुला राशि के स्वामी होते शुक्र होते, शुक्र प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करा जा सकता है जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र के जो कारक होते हैं वो होते हैं जीवन में सबसे जो दशा होती है महादशा शुक्र की होती है 20 वर्ष, इससे ज़्यादा दशा किसी की 20 वर्ष नहीं होती है। यदि जवानी में आ गई तो राजा बना देगी,
बुढ़ापे में आ गई तो भी ठीक है, पर जो चीज़ जवानी में करना था वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं, और जो बुढ़ापे में आपको करना था वो जवानी में नहीं कर सकते, हर किसी का डिफरेंस होता है। इसलिए दर्शकों, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आपको ओपाल रत्न धारण करना है। शुद्ध ओपाल रत्न धारण करने से आपको सफलता मिलेगी, और शुक्रवार के दिन आप दुर्गा जी के दर्शन करें, वहाँ पर जाएँ, सिर्फ और सिर्फ एक लाल फूल ले जाएँ और एक जो है नारियल ले जाएँ, उन दोनों को रख कर और उसमें को दक्षिणा रखें, और आपके मन में जो संकल्प हो वो मनमोचरण करके चरणों में चढ़ाएं, वो निश्चय आपकी काम मतलब पूर्ति होगी। जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं, अपने वर को प्राप्त करना चाहती हैं, उनको अच्छा वर मिलेगा और अच्छी सफलता मिलेगी। और दर्शकों, विशेष जानकारी के लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुंडली का विवेचन करेंगे, रत्नों का सही चयन करेंगे, सटीक आपको जवाब देंगे, आप हम संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, धन्यवाद। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9650925716 0120410877। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।